गन्ना उत्पादक किसानों का एक जिंदाबाद किसानों का एक जिंदाबाद गन्ने की पेमेंट लेके रहेंगे। गन्ना मिलों द्वारा किसानों के बकाए ना दिए जाने पर गन्ना काश्तकार गुस्से में है। इसी मुद्दे को लेकर किसान मोर्चा औलक द्वारा गुरदासपुर की कीरी चीनी मिल का घेराव किया गया। इस दौरान किसानों ने मिल के गेट के सामने बैठकर यहां एक और मिल की आवाजाही रोक ली। वहीं गेट के सामने बैठकर मिल मैनेजमेंट और पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मिल द्वारा अभी भी किसानों का बकाया नहीं दिया जाता तो हमारी तरफ से अलग अलग किसानों द्वारा भूख हड़ताल रखी जाएगी। दूसरी तरफ मिल के डायरेक्टर अपदीप सिंह ने मीडिया को जानकारी देते कहा कि पैकिंग डे में हर रोज किसानों का 1.25 करोड़ का मिल द्वारा किया जाएगा, लेकिन ये सब धरना हटने के बाद ही संभव होगा। दोबारा से काम चलेगा तो हम ये सब कुछ कर सकेंगे। हाँ जी सर, धरना लगा है, कितनी पेमेंट है, क्यों नहीं दी जा रही है? एवरेज देखोगे तो 1 करोड़ पर डे बन जाती है, तो 1.25 करोड़ पर बैंकिंग डे पेमेंट करा। सर किसान इन्हें दुखी होके ऐसे मोहन बंतर से बह गए ने, क्यों नहीं ना जल्द हल हो रहा है? देखो इस तरह है कि थोड़ी साड़ियाँ भी मुश्किल है, जिस तरह जब देखा जाए कोटे की गल करिए, असी कोटे तो बिना चीनी बेच नहीं सकते। हम इस महीने का कोटा जोड़ा वो 3500 टन का कोटा, वो सारी चीनी बेच के जो पैसे दिए इसने 12 करोड़ रुपये बनते हैं। 3500 रुपये के हिसाब से लगा लो चीनी क्विंटल का रेट, तो 1200 से 12 करोड़ रुपये बनते हैं। असं फिर भी कमिटमेंट ये कर रहे हैं कि तकरीबन 1.25 करोड़ पर बैंकिंग डे दें, ये 31 करोड़ रुपये बन जाते। बाकी दिया मिलों जो होर चल रही हैं इतने, उन्होंने जो पैसे कट के दिते जाएंगे वो भी ता ही होगा, धरना बंद होएगा, अपने व्हीकल की आवाजाही शुरू हो जाएगी, ता ही बाकी दिन मिलों चल पागी, ता ही पैसे दे पाएंगे। काम तो होना चाहिए जी, 1.25 करोड़ रुपया पर बैंकिंग डे के नाल तकरीबन हो जाना चाहिए, मिल चलने तो कुछ दिनों के बाद हो जाना चाहिए। की नाम अपना जी? मेरा नाम लखविंदर सिंह कालू जी। हाँ जी, की कहना चाहते? पिंड मेरा कामलपुर रहने वाला कलानौर लागे का। मैं अज कीड़ी मिल गन्ने के किसानों के धरने शामिल होया। इतने वेख के मैं महसूस किया कि लोग बहुत दुखी ने कि जिन्हों गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा, कोई किसी का बच्चा पढ़ाई तो रह रहा उन्होंने स्कूल चो बाहर कढ़ देंगे, कि कोई बीमारी ना पीड़ित है। मैं इतने आ के फैसला किया कि जब तक गन्ने के पैसे ना देंगे उद तक मेरा मरण जारी रहेगा, इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा जे मैं कुछ भी होगा। तो जिनी जिम्मेवारी वो सारी पंजाब सरकार की, तो इस प्रशासन की होगी, SSP बटाला, तो साढ़े जिन्हें भी DC गुरदासपुर, क्योंकि अं एक बार नहीं मंग पत्र दिता, हज़ारा मंग पत्र दिते अपने पैसे लैन की खातर, पर इन्हों के कन से कोई जू नहीं सरकी। जे इस किसान भीर को कुछ हो गया यदा खमियाजा जोड़ा पंजाब सरकार को पूतना पेगा। जी जिमनी चोण मकेरिया विखे ज होरना इलाकों के आ रही है, अं डट के उन्होंने विरोध करा, समुचिया जथेबंदियां पंजाब दियाँ लैके असी उकेंगे, तो पंजाब सरकार का जोड़ा जनाजा असी चंकी तरह कट के रवेंगे। मेरा नाम सोनू औलख है। हाँ जी, और एक बहुत वही त्रासदी है कि किड़ी फगाना मिल के मालक वालों लोगों पैसे नहीं दिते जा रहे उन्होंने गलने के। अच्छ बहुत वही तादाद सारे किसान कट्ठे हो के और बहुत दुखी मन के नाल बैठे ने, और इन्होंने सारे ने प्रण किया है कि जदों तक पैसे नहीं गन्ने के मिलते उदों तक असीं वापस घर नहीं जाना। और ये मिल वालों जिहड़ा इन एरिया के आउट एरिए ना दे नाल लोगों नूं लड़ाया जाता सी। अगला संघर्ष मेरे साथी मरनवर ते भी बैठ गए ने, और असीं इन्हां दे सारे नाल आ जिन्हां चिर तक पैसे नहीं मिलते है। सारिया जथेबंदियां किसान असीं जो मरण से ही बंदा बैठ जाए फिर इस तो वड्डा संघर्ष की हो सकता। सेवा न्यूज़ के लिए बटाला से जितेंद्र कुंदल की रिपोर्ट।